सो गाइस आपने अभी देखा कितना क्लीन बीच था ये, राइट। लेकिन क्या ये बीच सही में इतना क्लीन था? जब हम लोग इधर पे आए तब मैं आपको यहाँ का बीच का नज़ारा दिखाता है कि बीच का हालत क्या था। अभी मैं 4 घंटे बाद का ये वीडियो बता रहा हूँ जहाँ इतना बीच क्लीन था, लेकिन अभी 4 घंटा पहले का वीडियो आप देखो बीच का हालत क्या था। जस्ट गो फॉर इट। तो आपने देखा कितना कचरा है यहाँ पर, बराबर। ये कचरा इधर आया कैसा, इतना ये कचरा हुआ कैसा? ये कचरा इसके लिए हुआ दोस्तों, एक न्यूटन्स का 3rd लॉ है जो हमको बचपन में सिखाया गया था, जो हम लोग भूल गए आज। वो लॉ ये था, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है जो भी एक्शन आप करते हैं उससे एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप एक बॉल दीवार पर थ्रो कर रहे वो रिवर्स आपके पास आएगा ही। और अगर आप मुंह में पानी ले रहे, एक मैं बैड एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मुंह में पानी ले रहे और ऊपर के स्पिट कर रहे आपके फेस पे आएगा। तो हो क्या रहा है मालूम दोस्तों, सवेरे कचरा फेंक रहे गटर में, गटर का कचरा जा रहा है नदी में, नदी का कचरा आ रहा है समुंदर में। लेकिन अगेन द न्यूटन्स 3rd लॉ, वो कचरा वापस समुंदर बाहर फेंक रहा है और वो हमारे मुंह पे मार रहे। तो ये सबका जिम्मेदार हम लोग खुद, तो हम लोग खुद एक जिम्मेदार नागरिक बने और खुद कंप्लेंट करने से अच्छा ये कचरा सफाई का काम करे खुद, ना कि दूसरों को ब्लेम करे। सो गाइस देखा आपने बीच की हालत, इस तरीके से हमारे मुंबई का बीचेस का हालत है, जो कि इतना गंदा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आज हमारे तरफ से यहाँ पर मेरे ऑफिस के जो ग्रुप्स है, मेरे ऑफिस के पूरे ग्रुप्स वाले लोग यहाँ पर आए सो दैट वो लोग ये बीच को पूरा क्लीन करें। और उन्हीं लोगों ने, उन्हीं लोगों के मेहनत से ये पूरा बीच क्लीन हुआ। Thank you.
और सवेरे 7 बजे से ये लोग यहाँ पे लगे थे, अभी तो तकरीबन 9:30 बज रहा है। तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इन लोग ने यहाँ पे मेहनत किया और ये पूरे बीच का उन्होंने एक क्लीनिंग किया, सो दैट जो भी यहाँ पर आए, टूरिस्ट आए, जो भी आए, तो एक बैड इंप्रेशन लेके ना जाए, एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। अगर कोई टूरिस्ट फॉरेनर्स आता है या कोई भी इंडियन टूरिस्ट भी आता है, तो एक मुंबई का बैड इंप्रेशन लेके ना जाए वो कि कितना गंदा जगह है ये। तो ये पूरा बीच अभी साफ हो गया, आप देख सकते हैं बीच कितना क्लीन है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो आप खुद देखो बीच कितना क्लीन है, कुछ भी कचरा नहीं, देखो पूरा क्लीन, पूरा नीट एंड टाइट।